वेलकम बैक गाइस। सो ये लास्ट वीडियो से मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट करना जल्दी इसका आंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन इंटीजर्स इन पाइथन। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। जल्दी कमेंट करके बताना कौन सा ऑप्शन होगा। और दूसरा क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 111 मॉड्यूलो 7। सो ऑप्शन ए, बी एंड सी, तीन ऑप्शन है, जल्दी कमेंट करके बताना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सो आज बात करेंगे हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होती है, लाइक इंटीजर टाइप डेटा होती है, फ्लोट टाइप डेटा होती है, फिर लेटर्स होती है, कैरेक्टर्स होती है, फिर ट्रू फॉल्स होती है। तो ये सारे डेटास का अलग अलग टाइप्स होती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डेटा टाइप्स। सो नजर डालते हैं वन बाय वन डेटा टाइप्स। सबसे पहले टेक्स्ट टाइप अगर है मेरा कोई, तो वो है स्ट्रिंग टाइप। न्यूमेरिक टाइप्स अगर कोई मेरी डेटा होती है, तो थ्री क्लासिफिकेशन होता है। एक पहला है हमारा इंटीजर, जो हम लोग का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर वैल्यूज हो सकती है। सेकेंड है मेरा फ्लोट, जो कि डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे हम लोग 11, 12 में किए हैं, रूट ओवर माइनस वन रहती है तो आयोटा, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जे से रिलेट करते हैं। अब नजर डालते हैं सीक्वेंस टाइप्स। सो अगर मैं कोई अपना डेटा सीक्वेंस पे लेता हूँ, तो वो मेरा सीक्वेंस टाइप डेटा हो गया। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट, टपल एंड रेंज, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ योर सीक्वेंस टाइप। अब बात करूंगा मैं नेक्स्ट मैपिंग टाइप के बारे में। सो मैपिंग टाइप इज बेसिकली जब हमें कोई की एंड वैल्यू, की भी रहे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, की विच डिस्क्राइब योर डेटा, किस टाइप का डेटा ले रहे हैं और उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर मुझे लेना है, तो उस तरह के डेटा को हम लोग कहते हैं डिक्शनरी वैल्यूज, डिक्शनरी डिक्ट डेटा टाइप। ओके, दीज ऑल आर द मैपिंग टाइप। अगर मुझे कुछ सर्च करना है विथ रिस्पेक्ट टू की एंड वैल्यूज, तो हम लोग मैपिंग टाइप डेटा टाइप यूज करते हैं, विच इज अवर डे। नेक्स्ट सेट टाइप्स, सो लाइक सेट एंड फ्रोजन सेट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेट टाइप वैल्यूज। यहाँ पे डुप्लीकेट नंबर्स नहीं ले सकते हम लोग, सिर्फ और सिर्फ वन वैल्यू ले सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बुलियन टाइप, बुलियन टाइप ट्रू एंड फॉल्स, एंड लास्ट इज अवर बाइनरी टाइप्स, बाइट्स, बाइट एरे एंड मेमोरी। सो ये होता है मेरा बेसिकली डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, सो अब नजर डालते हैं हमारा हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। अगर मुझे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, तो किस तरह से मैं करूंगा। सो हम अगर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो हमें कोट्स के अंदर लेनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइदर इट वुड बी अ सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कोट्स सपोर्ट करता है पाइथन। आप चाहे सिंगल कोट पे लो, या डबल कोट पे लो, या ट्रिपल कोट्स पे लो। सो एनी कैरेक्टर विच इज पास्ड इनसाइड अ कोट, ओके, इट इज रिगार्डेड एज अ स्ट्रिंग। अब बात करूंगा मैं एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। सो नजर डालते हैं मेरे विंडो स्क्रीन पे। मान लो कि एक स्पेशल चीज मुझे करना है, मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ प्रिंट, उसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा हूँ, और मैं हेलो वर्ल्ड को टू लाइंस में करना चाहता हूँ, कि मेरा वर्ल्ड जो है वो मेरे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाए। इस तरह से अगर करना है, तो मैं बैक स्लैश एन करूंगा, ये मेरा एक एस्केप सीक्वेंस है। सो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैं रन किया हूं, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ एक स्पेस है। चलो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ स्पेस को, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो सी हेलो वर्ल्ड इस तरह से मेरी आ गई। तो अगर मुझे कोई स्पेशल चीजें करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस हम लोग कर सकते हैं, मींस सीक्वेंसेस को एस्केप करना है, राइट। अब बात करूंगा मैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। सो मान लो मैंने कोई एक पर्टिकुलर लाइक मेरा एक कोई भी एक आउटपुट निकला है, और उस आउटपुट के साथ मैं एक स्ट्रिंग या एक कुछ मतलब कुछ एक सेंटेंस ऐड करना चाहता हूँ, ताकि जो सामने वाला हो इंसान या मुझे खुद पता चले कि क्या कौन सी आउटपुट मैं इस प्रोग्राम से निकाल रहा हूँ। सो वो सारे चीज करने के लिए मुझे यूज करना होगा फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स। बेसिकली देयर आर थ्री वेज, द न्यू वे जो एफ स्ट्रिंग्स होती है, जो पाइथन 3.6 के बाद से आई है, फिर है हमारा डॉट फॉर्मेट मेथड, एंड तीसरी वे है जो ओल्ड वे, जो एम्परसेंड यूज करके हम लोग करते हैं, या मॉड्यूलो यूज ऑपरेटर करके। ये डिप्रिशिएट हो चुकी है, ये बहुत ही आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन द न्यू वे इज अवर एफ स्ट्रिंग। तो चलिए मेरे एडिटर पे मैं आ चुका हूँ, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लाइक एक्स को मैंने 100 असाइन कर दिया। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसके साथ कुछ एक स्टेटमेंट, लाइक एफ स्ट्रिंग का यूज करके करूंगा मैं। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ लाइक द वैल्यू ऑफ एक्स मैं अगर ले लेता हूँ इज, और उस वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे को करली ब्रेसेस पास कर दी होंगी, और जो भी वेरिएबल में मैंने उस वैल्यू को स्टोर किया, उस वेरिएबल की नेम को यहाँ पास कर दी होगी, और मैं अब बिल्ड करूंगा कंट्रोल प्लस बी। सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एक्स इज 100। अब मेरा जो वैल्यू हो गया है वो एक्स इक्वल टू 100 हो गई है। अब मैं बात करूंगा दूसरे मेथड की, जो है मेरे डॉट फॉर्मेट मेथड की। सो मैं इसे हटा लेता हूँ, ओके, जस्ट मैं रिमूव करता हूँ। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट फॉर्मेट मेथड में क्या होता है, कोट्स के अंदर पे जो भी मुझे पास करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा द वैल्यू ऑफ
एक्स इज कर लूंगा, फिर कोलन दे के, फिर कोलन मैं ऐसे दे रहा हूँ, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस पे मुझे वेरिएबल पास नहीं करनी है, जस्ट मेरा जहाँ कोट्स खत्म हुआ है मेरे को डॉट फॉर्मेट लिखना होगा। जैसे ही मेरा डॉट फॉर्मेट लिखूंगा और उस डॉट फॉर्मेट जो मेरा बिल्ट इन फंक्शन है उसके अंदर मैं वेरिएबल का नेम पास करूंगा। मैंने पास कर दिया इस तरह से और फिर ब्रैकेट्स क्लोज, अब मैं बिल्ड कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज 100 मेरा ये शो हो गया। ये हो गया मेरी दूसरी फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। अब मैं तीसरी फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग जो मेरी आउटडेटेड वर्जन है, जो पहले यूज हुआ करता था C++ पे, मैं इस तरह की देखी जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं ampersand d यूज किया हूँ, जहाँ पे मेरे को जो वैल्यू को पास करना और सिंपली मॉड्यूलो x कर दिया, तो ये इस तरह का हो गया। सो ये थी हमारी तीन टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स। अब मैं बात करूंगा हाउ टू कन्वर्ट द डेटा टाइप्स इनटू अनदर डेटा टाइप्स। आप अपने एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर दैट एक तो है, होता है कि आप इम्प्लिसिटली हो जाता है, मीन्स जो भी हायर डेटा टाइप होता है वो खुद ब खुद ले लेती है अगर लोअर के साथ है। और एक होती है तरीका जहां यूजर इंटरफेयर करता है, मतलब खुद यूजर आके बताएगा कि कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट होना है। सो मैं वो चीज आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से एक दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। सो चलते हैं मेरे एडिटर पे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके, सो मैं अपना एडिटर पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ लाइक var इक्वल टू 12.33। मैंने एक फ्लोट टाइप वैल्यू स्टोर कर लिया अपने वेरिएबल var पे। ओके, और मैं एक दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ जहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इंटीजर टाइप। सो जो भी डेटा टाइप आप चेंज करना चाहते हो उसे आप बिल्ट इन की तरह यूज करो, और जो भी वेरिएबल में आप पास किए हो वैल्यू उसमें पास कर देना। अब मैं प्रिंट कर दूंगा var 1 को। सो देखना कि फ्लोट से मेरा इंटीजर पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने कर लिया तो सी द आउटपुट इज 12, इट इज नो मोर 12.33। अब ये कन्वर्ट हो गई है फ्लोट टाइप से मेरी 12 पे। ओके, अब और एक दूसरा एग्जांपल लेकर करके दिखाता हूं मैं आपको। सेकंड मैंने एक लिस्ट लिया जहां पे मैं तीन एलिमेंट्स लेने वाला हूं 1, 2 और 3। सो अब ये मेरा लिस्ट डेटा टाइप है। अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं स्ट्रिंग टाइप करूंगा। सो बी में मैंने इसे str कर दिया जो मेरा स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप में, और मैं वो ए पे पास कर दूंगा ताकि मेरा ए जो मेरा कन्वर्ट हो जाए इन माई स्ट्रिंग। सो इसे प्रिंट करके चेक करते हैं। सो सी, यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि ये है कि नहीं, तो मैं इसका टाइप को चेक करूंगा। सो टाइप को चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट ले ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे टाइप चेक करूंगा। सो करते हैं, प्रिंट किया और फिर मैं टाइप चेक करूंगा। टाइप क्या बताता है, आपका कौन सा डेटा टाइप है वो बता देगा, ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। सो मैं बी का पहले देखूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग, मतलब ये मेरा बी जो है वो मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ओके, अब मैं यहाँ पे ए चेक करता हूँ जो मेरा पहले लिया था। सो वो मेरा चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा लिस्ट है। सो ए मेरी लिस्ट थी, उसको मैं कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग टाइप पे। सो समझ में आ गई बात को। सो गाइज, ये था हमारा हाउ टू कन्वर्ट द डेटा टाइप्स इनटू वन टू अनदर। समझ में आ गया हो तो जरूर बताना, और नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताना, ताकि मैं और भी कुछ अच्छा वीडियोस बना के आपको ये चीज बता सकता हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइज, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाता हूँ विद रिस्पेक्ट टू पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस एंड वेब डेवलपमेंट। अगर आपको मेरे कोर्सेज में एनरोल करना है तो प्लीज दिए हुए मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे मुझे टेक्स्ट करो या मेरे व्हाट्सएप लिंक पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको एनरोल करवाऊंगा। मिनिमम चार्जेस में आपको लाइव प्रोजेक्ट के साथ मेरे साथ काम करने को मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। Thank you guys, keep learning, keep shining like this. Jai Hind.